नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज रविवार को मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें महिलाओं, युवाओं और किसानों को लेकर कुल 25 बड़े वादे किए गए हैं। वहीं इस दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद रहे। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र विकसित भारत के लिए विकसित महाराष्ट्र बनाने का रोड मैप है। तो वही मैनिफेस्टो लॉन्चिंग के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी पर निशाना साधा। तो चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जनता से क्या क्या चुनावी वादे किए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और पीयूष गोयल ने रविवार को महाराष्ट्र में बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 25 बड़े वादे किए हैं, जिसमें लाडली बहनों के लिए 2100 रुपए मासिक, किसानों की कर्ज माफी, वृद्धावस्था पेंशन, 25 लाख रोजगार का निर्माण और सरकारी नौकरी जैसे वादे शामिल हैं। इसके अलावा लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए महीने, महाराष्ट्र के किसानों की कर्ज माफी, गरीबों को फ्री राशन, वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा, 25 लाख युवाओं के लिए रोजगार, किसानों को मुफ्त बिजली, MSP लागू करना, प्रदेश में कौशल गणना कराई जाएगी, उद्यमियों को अवसर देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज एक्सपीरेशन सेंटर बनाया जाएगा, राज्य के ग्रामीण इलाकों के 45,000 गांवों में पंधान स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, सरकार बनने के 100 दिन के अंदर विजन महाराष्ट्र @20290 पेश किया जाएगा, जबरन और धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराने के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाएगा, 18 से 35 वर्ष के युवाओं की वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए स्वामी विवेकानंद युवा आरोग्य कार्ड लॉन्च किया जाएगा, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को व्यवसाय वृद्धि के लिए 15 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, सभी सरकारी स्कूलों में मराठी अटल टिंकरिंग लैब्स योजना शुरू की जाएगी। इसके साथ ही अमित शाह ने 2027 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के भाजपा के वादे को भी दोहराया है। आपको बता दें कि इससे पहले 7 नवंबर को MBA ने 5 गारंटियों की घोषणा की थी। इनमें महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए, सरकारी बसों में फ्री सफर की सुविधा के साथ ही किसानों को 3 लाख रुपए तक के कर्ज माफी का ऐलान किया था। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।